आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट दांतों को चमकाने का दावा तो करते हैं लेकिन इनका कोई खास फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर इनमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसे केमिकल्स वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे नेचुरल टूथपेस्ट बनाने के बारे में बता रहे हैं जिनसे दांत मजबूत, सफ़ेद और बैक्टीरिया मुक्त रहेंगे। इसके अलावा दांतों में लगे कीड़े भी मर जाएंगे। तो टूथपेस्ट बनाने की विधि जान लेते हैं। इसके लिए आपको 3 बड़े चम्मच नारियल का तेल लेना है, 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, 1 बड़ा चम्मच नीम छाल अथवा सूखी पत्ती का पाउडर लेना है, 1-2 बूंदें पिपरमेंट सुगंधित तेल की लेनी है। अब आप टूथपेस्ट बनाने का तरीका देख लीजिए। एक छोटे कंटेनर में सभी सामग्री को डाल दें, इन्हें पेस्ट की तरह मिलाएं। फिर इस पेस्ट को पॉपसिकल स्टिक या चम्मच की मदद से दांतों पर लगाएं, फिर ब्रश की मदद से दांतों पर रगड़ें और उसके बाद पानी से साफ कर लें। ध्यान रखें कि इसमें बाजार के केमिकल्स वाले टूथपेस्ट की तरह से झाग नहीं बनेंगे, लेकिन इससे इसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके फायदे देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं फायदे। नारियल तेल दांतों में लगे कीड़ों को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा नारियल तेल कैविटी को बुलावा देने वाले कारणों में रोकथाम भी करता है। बेकिंग सोडा दांतों को नेचुरल तरीके से सफेद बनाता है। नीम को अच्छा रोगाणुरोधी माना जाता है। जाइलिटॉल माउथ फ्रेशनर और मसूड़ों की सूजन को दूर करने में ये सहायक होता है। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।